आज रात करीब 12 एक बजे के आसपास यहाँ पर 15-20 हाथियों का एक झुंड आकर इस घर में आतंक मचा कर गया, पूरा घर का तहस नहस बना कर रख दिया, यहाँ तक कि एक बकरी को भी कुचल के गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवेंद्र याकथुंगबा योंगयांग और अभी आप देख रहे हैं मेरा चैनल देवेंद्र एन लिंबू यूट्यूब में और साथ ही फेसबुक में। आप अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरा अकाउंट है देवेंद्र याकथुंगबा। दरअसल दोस्तों, आज रात यानी कि सितंबर 8, 2023 को करीब 12-1 बजे के आसपास ये जो हमारे गांव 2 नंबर कालीपुर जो कि बक्सा जिला असम में पड़ता है के रहने वाले कृष्ण छेत्री हुलाल जी के घर पर, जहां उनके बच्चे और मिसेस रहती है, हालांकि वो अभी जो कृष्ण हुलाल जी है वो तो घर पे नहीं है, वो मतलब कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो उनके घर में जो है रात को इस तरह से जो है हाथियों का एक झुंड आकर के इस तरह से आतंक मचाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो घर है किचन का अवस्था आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है किचन का ये कंडीशन बना कर रख दिया है। ये जो गैस का सिलेंडर है इसको भी बाहर, और ये जो है ये घर देख सकते हैं, इस घर का जो कंडीशन क्या बना है, ये देखिए घर का जो है पूरा कचूमर बना कर रख दिया। साइकिल का आप हालत देख सकते हैं, साइकिल का क्या कंडीशन कर रखा है। और इसी के साथ आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था बकरी जो है, एक बकरी को जो है सिर में कुचल कर मार दिया गया था। और इस तरह से जो है ये देखिए आप, ये जो सुपारी का बगान है, अभी हम लोग इस तरफ जा रहे हैं सुपारी के जो बगान का, ये देखिए हालत, जो छोटे छोटे जो पौधे थे सुपारी का उसका जो हालत देखिए, ये देखिए क्या हाल बना के रखा है बागान में, जो सुपारी का बागान है यहाँ पर, केले का पेड़ का जो कंडीशन आप देख रहे हैं। और साथ में ये देखिए इस तरफ से जो नीचे से जो है हाथी जो है वापस गया है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये नारियल का जो पेड़ था, नारियल का जो पेड़ है उसका कंडीशन आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नारियल का पेड़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग जो है बागान में जो है सुपारी और ये केले का जो कंडीशन देख सकते हैं आप, जो है बिल्कुल तहस नहस करके गया, सुपारी का नुकसान कर गया, केले का नुकसान बर्बाद करके गया। ये देखिए ये नारियल का जो पेड़ था, देखिए इस तरह से जो है नारियल का पेड़ का जो है ये हालत बना के गया है। तो रात को जो है हाथियों ने इस तरह से जो है आतंक मचाया इस गाँव में, मतलब जो स्पेशली इसी घर में डायरेक्ट जो है इस तरफ से जो है यहाँ पर इस घर में आए और आकर के इस घर का जो बागान से लेकर के जो घर का कंडीशन आपने आपको मैंने दिखाया था, तो इस तरह का कंडीशन करके गई। ये देखिए ये भी एक नारियल का ही पेड़ है, आप देख सकते हैं क्या हालत बना कर रखा नारियल के पेड़ का। ये घर का कंडीशन देखिए आप एक बार फिर से देख सकते हैं इस तरफ से, ये दूसरे एंगल से आप देख सकते हैं घर के जो कंडीशन है। यहाँ पर जो है बकरियों का जो घर था यहाँ पर, यहाँ इस साइड में जो बकरियों का रखा जाता था, और ये जो जहाँ पर अभी बकरी खड़ी थी वहाँ पर जो है धान रखा जाता था, रखा हुआ था। तो धान जो है यहाँ से धान जितना भी लगभग जो भी था, जितना भी था सारा का सारा जो है वो खा कर चले गए, थोड़ा बहुत जो यहाँ पर बिखर के ज़मीन में बिखर के गए हुए, मैक्सिमम जो है खा कर चले गए। और साथ में जो है बकरी, एक बकरी को जो है असर से कुचल करके मार दिया, मार कर चले गए। और घर का जो है बिल्कुल बिल्कुल कचूमर बना कर गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये केले को यहाँ पर ला करके खाकर कुछ खाए और कुछ ऐसे ही बर्बाद करके चले गए, देखिए। और इस तरह से जो है आप जिस तरफ देखेंगे बिल्कुल बर्बादी ही बर्बादी, घर से लेकर के जो है खेत तक का जो है या बगान, सुपारी का जो बगान था, सब जो है बर्बाद करके चले गए। साइकिल का हालत देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, साइकिल को जो है कुचल के देखिए, ये साइकिल का जो बेहाल करके गया है, साइकिल का कंडीशन आप देख सकते हैं। ये जो है इस तरह से साइकिल, घर जो है साइकिल है, घर है, और इस तरह से जितने भी है यहाँ पर जो है मान लीजिए धान जो है या फिर जो इसका इनका जो है कुछ भी था इस घर में जो भी था सब कुछ बर्बाद करके चले गए। लाइन को डराउँछन् त्यस्तो चाहिँ लाइनको बोटो सबै पानी खाने ल्याउने
यो चाहिँ बाख्राको खोर थियो नि, बाख्राको खोर, बाख्रा चाहिँ कहाँ यहीँ मारेको थियो, बाख्रा त्यही हो त्यो तपाईँ उभिनेर हिँड्नु त्यहाँ बानेको थियो यहाँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं ये ख़त्म करने जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और साथ ही अगर आप मुझे YouTube में देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देवेंद्र नींबू मेरे चैनल का नाम है, और साथ ही अगर आप लोग मुझे फेसबुक में देख रहे तो देवेंद्र याकथुंगबा ना जो मेरा अकाउंट है उसको फॉलो कर दे, और साथ ही मेरा एक नया पेज है लिंबू कल्चर एंड ट्रेडिशन नाम से, कृपया उस चैनल को भी आप लोग फॉलो और लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। आप लोगों ने अपने जो कीमती समय देकर के इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सेवा रहो।